वेलकम अगेन फ्रेंड्स। एंड आज के एपिसोड में हम लोग बात करते हैं ऐसी नॉनवेज डिशेस की जो कि हमारे पैलेट से एक्सटिंक्ट हो गई हैं या जनरली हमें मिलती नहीं है। हम लोग जब मटन होता है तो हमें मटन स्टू, मटन कोरमा, रोगन जोश, इसके आगे हमें कुछ ना दिखाया जाता है ना समझ में आता है। मटन हैज़ लॉट मोर फ्लेवर्स टू इट, लॉट मोर यूनिक फ्लेवर्स टू इट। और हर जगह अगर आप जाएंगे पूरे इंडिया में आपको लोकल फ्लेवर्स ही मिलेंगे। चंपारण जाएंगे तो चंपारण में आपको चंपारण का फ्लेवर मिलेगा। अगर आप कश्मीर जाएंगे या केरला जाएंगे आपको वहाँ के लोकल फ्लेवर्स मिलेंगे। सो ऑल अक्रॉस द कंट्री, दी कंट्री इज रियली ब्लेस्ड विथ सो मेनी फ्लेवर्स। तो हमने कहा क्यों ना एक कंपेंडियम बनाया जाए जो कि हमें ये बताए कि कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो कि हमें हट के ट्राई करना चाहिए। सो व्हाट वी हैव ट्राई टू डू कि बिसाइड्स मटन हमने चिकन के बारे में भी थोड़ी बात करी है, हमने फिश के बारे में भी थोड़ी बात करी है, एंड वी हैव क्रिएटेड अ कंपेंडियम ऑफ 10 यूनिक और एक्सटिंक्ट डिशेस फ्रॉम आर पैलेट्स एज फार एज नॉन वेज इज कंसर्न्ड। बट प्लीज इंश्योर टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो and subscribe to our channel. So let's get started. Okay friends, we are starting a journey, or what better way to start with Nargisi Kofta. Actually Nargis means eyes, aur agar aap dish ko thoda dhyan se dekhenge to jab ande ke upar keema lapeta jata hai aur beech se kaata jata hai to it looks like an eye. So that is why the Nargisi Kofta. Aur अपने आप में बड़े यूनिक एंड सटल फ्लेवर्स हैं। कीमे का अपना अलग फ्लेवर है, अंडे का अपना अलग फ्लेवर है, रैप्ड अप इन अ ग्रेवी, वाव। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही एक्साइटिंग है। और आज भी अगर आप जाएं क्रीम्स पे या यूनाइटेड कॉफी हाउस पे, दोनों जगह पे दिल्ली में बहुत अच्छा नरगिसी कोफ्ता ये लोग सर्व करते हैं आजकल। तो मैं एक बार देख रहा था बिरयानी ब्लूज और कई सारे लोगों ने सूखा नरगिसी कोफ्ता देना शुरू कर दिया है, विच इज द अंडा रैप्ड इन द कीमा ओनली, नरगिसी कबाब्स दे कॉल देम। इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। वन ऑफ द यूनिक प्लेसेस विच आई हैव यू नो विच वी हैव गॉन टू इज क्वालिटी एट कानपुर, फैंटास्टिक नरगिसी कोफ्ता। कुछ और ट्रिविया की बात अगर करें तो रॉयल कैफे पे आप इंजॉय कर सकते हैं वेज नरगिसी कोफ्ता, और ये किस तरह से बनाते हैं और क्या सटल फ्लेवर्स लाते हैं वो तो आपको जाके ही एक बार खाना पड़ेगा। लेकिन एक एक्सटिंक्ट डिश अवेलेबल ऑल अक्रॉस एंड वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी विद नरगिसी कोफ्ता अवेलेबल ऑल अक्रॉस। आपका अगला सवाल होगा कि ये आटा चिकन क्या हो सकता है, आटे और चिकन का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? अगर आपको एक्चुअली ये रियलिटी में देखना है तो यू नीड टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड कोटकपूरा इन पंजाब, लुधियाना से थोड़ा सा आगे। और इनकी क्लेम टू फेम इज कि दे मैरिनेट दी चिकन, उसे एक मसलिन क्लॉथ में रैप करते हैं, उसके ऊपर आटा लगाते हैं और इसे तंदूर में डाल देते हैं, एंड इट स्टेज इन दी तंदूर फॉर 3-3.5-4 आवर्स। और उसके बाद इनके यहां जो लाइन लगी हुई होती है चंडीगढ़ से, लुधियाना से, भटिंडा से, पटियाला से लोग आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं जिनके पहले से ऑर्डर्स दिए हुए होते हैं 4, 5, 6, 8, 10, एंड दीज जस्ट गेट पिक्ड अप। और उसके बाद ये जो ड्राइवर्स हैं ये लेके जाते हैं, एंड दिस इज कंज्यूम्ड ओवर लंच और डिनर। ये आउटलेट एक अपने आप में आइकॉनिक आउटलेट है इन कोटकपूरा, जहां पे दे स्टार्ट अप एट एज अर्ली एज 8 o'clock, और 10 बजे से लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, 3, 3:30, 4 बजे तक ये दुकान रैप अप करके चले जाते हैं। फिनोमिनल प्लेस। खैर, आटा चिकन एट कोटकपूरा इज अ मस्ट हैव इफ यू आर अ चिकन लवर। अगर आप कोटकपूरा पहुंची गए हैं तो डू रिमेम्बर to have the doda at the Royal Doda House। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं
अगर आपको डोडा पसंद है, अगर आपको मिठाई पसंद है, तो रॉयल डोडा हाउस से अच्छा कोई डोडा पूरे भारतवर्ष में तो बनाने की हिम्मत नहीं रख सकता। सो कोटकपूरा इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दो हिडन जेम्स हैं वहां पे, एक द आटा चिकन एट दी सरदार जी की शॉप विच इज अगेन फिनोमिनल, एंड द डोडा एट दी रॉयल डोडा हाउस। डू मेक श्योर टू विजिट कोटकपूरा शॉर्टली। तो फ्रेंड्स, अपनी अगली डिश की तरफ, एंड दिस इज डोरी सीख कबाब्स। नाउ डोरी सीख कबाब्स, आप ये तो समझ गए होंगे कि सीख कबाब्स रैप्ड अप विद डोरी, बट वाई वन शुड डू दैट? तो देर इज अ लॉट ऑफ ट्रिविया, एंड डी एफ एस ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रिविया टू यू। सो नवाब थे, सीख कबाब का शौक रखते थे, बट ही डिडंट हैव दैट एनर्जी कि वो सीख कबाब को तोड़ पाए, बिकॉज थोड़ा सा हार्ड होता है, और अगर जब इंसान की एज हो जाए और दांत नहीं हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसे चू करना। सो पीपल से दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द गलावटी कबाब्स। लेकिन ये जनाब जो ये नवाब जो थे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सीख कबाब्स। सो द शेफ केम अप विद द आइडिया कि डोरी इस तरह से रैप्ड होगी, आप डोरी खींचेंगे एंड द कबाब वुड एक्चुअली ब्रेक डाउन फ्रॉम द सीख इन टू योर प्लेट, एंड दैट वॉज द जेनेसिस ऑफ द डोरी सीख कबाब। खैर, अब तो वेरियस वर्जन्स आर अवेलेबल। इशारा इन परेल बॉम्बे इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू हैव डोरी सीख कबाब्स, एंड दे एक्चुअली सर्व इट इन अ वेरी वेरी ऑथेंटिक स्टाइल। मनसलवा वसंत विहार में दिल्ली में फैंटास्टिक डोरी सीख कबाब्स। आपको बताना चाहूंगा कि जो बाइलेंस है करेली में इन इलाहाबाद, उनके यहाँ एक पूरा डिफरेंट वेरिएशन अवेलेबल है इन दी डोरी सीख कबाब्स। ये लोग बाकायदा धागा ऊपर लपेट के देते हैं, एंड दीज आर अगेन फैंटास्टिक फ्लेवरफुल कबाब्स विच दे सर्व। द बाइलेंस ऑफ वाराणसी एंड रामपुर अगेन हैव डिफरेंट वेरियंट्स अवेलेबल। सो अगर आप किसी भी शहर में हैं और यू वॉन्ट टू ट्राई आउट समथिंग विच इज यूनिक, अगेन डोरी सीख कबाब्स कुड बी वन एडिशन टू योर टंग। इंजॉय अ डिफरेंट सीख कबाब। जब आप ये डिश का नाम सुनते हैं वोजुल कोकुर, तो क्या आपको लगता है ये कोई साउथ इंडियन डिश है? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। वोजुल कोकुर इज एक्चुअली अ कश्मीरी डिश, एंड वी वुड से दैट दिस इज द बिग डैडी ऑफ द फ्राइड चिकन टुडे इन द एंटायर वर्ल्ड, सो एज टू से। सो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कश्मीरी कुजीन के ऊपर इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया का, मिडल ईस्टर्न कुजीन का बहुत ज्यादा था, हमेशा रहा, क्योंकि दिस वॉज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट। खैर, ये वोजुल कोकुर इज द डेफिनेटिव वे जिस तरह से फ्राइड चिकन बनता है। अब फ्राइड चिकन के अपने अलग वेरिएशंस अवेलेबल हैं। अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो उसे चरगा कहते हैं, इंडिया में आए तो उसको फ्राइड चिकन कहते हैं, जब किंटकी में चले किंटकी फ्राइड चिकन बन जाता है। तो खैर, एवरी प्लेस हैज अ डिफरेंट वर्जन, बट आई वी आर श्योर दैट दिस इज द ओरिजिनल वर्जन, जिसमें एक पूरी मैरिनेशन की तरकीब है। चिकन की टांगों को थ्रेड से बांधा जाता है और उसके बाद दिस इज दी फ्राइड। समटाइम्स दिस इज पार्ट ऑफ दी वाजवान ऑल्सो, दी कश्मीरी वाजवान, दी फेमस कश्मीरी वाजवान, लेकिन दिस इज अवेलेबल एट ऑल कश्मीरी कुजीन आउटलेट्स। चोर बाजार में इफ यू गो एंड टेल देम दैट दिस इज वॉट वी वॉन्ट, नेक्स्ट डे आप जाएंगे, आपको बढ़िया वोजुल कुकुर खिलाएंगे। कुकुर इज चिकन एंड वोजुल इज फ्राइड। सो इंजॉय द डेलिकेसी, द बिग डैडी ऑफ फ्राइड चिकन, वोजुल कुकुर फ्रॉम कश्मीर। अब आपका अगला सवाल ये होगा, खिचड़ा हरीसा अका हलीम, मतलब? तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि हलीम हैज इट्स ओन यू नो नॉमेनक्लेचर, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अगर आप किसी भी एज ओल्ड मुस्लिम हाउस होल्ड में जाके बात करेंगे, तो
तो और उनसे कहेंगे कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंटिल्स ग्रेन्स एंड मटन, सो दैट वुड बी टर्म्ड एज खिचड़ा। इसका सेंट्रल एशियन कुजीन के अंदर जिक्र है एज हरीसा। कश्मीर में आज भी ये हरीसा के नाम से ही बिकता है, लेकिन जब आप डाउन साउथ या डाउन सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे तो यू वुड सी दिस बीइंग कन्वर्टेड इनटू हलीम, व्हिच इज यू नो विद अ लॉट ऑफ पाउंडिंग, और वो जो उन्होंने पूरे अपने हथियार बनाए हुए हैं हाउ टू पाउंड द दाल एंड द मीट। खैर, यूनिक ब्लेंड्स, यूनिक कॉम्बिनेशन और लाजवाब टेस्ट। खैर, हलीम तो नाउ इज फेमस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। खैर, पिस्ता हाउस हैदराबाद जब भी जिक्र होता है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स मध्य प्रदेश, भोपाल में देर इज अ प्लेस कॉल्ड फिलफोरा एंड दे सर्व आउट फैंटास्टिक हलीम टूवर्ड्स रमजान। रमजान आने वाला है तो यू कैन एक्चुअली प्लान अ विजिट। सो टू वेरी टेस्ट इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हलीम इज अ मस्ट हैव, यू नो, बट अंडरस्टैंड द ट्रिविया। खिचड़ा, हरीसा, अका हलीम, वट एवर यू हैविंग, इंजॉय द फ्लेवर्स थरली। अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये चिकन पार्चे क्या है। पार्चे एक्चुअली मीन्स फिलेट्स, बोनलेस पीसेस, और ये इज अ मस्ट हैव डिश इफ यू आर देयर इन लखनऊ, और इतनी सारी जगहों पे ये अवेलेबल है ऑल अक्रॉस लखनऊ। अब आप कहेंगे कि चिकन फिलेट्स एंड चिकन कटलेट्स में क्या फर्क है। फर्क है बनाने का तरीका, द सटल फ्लेवर्स एंड द काइंड ऑफ ब्लेंडेड स्पाइसेस विच गो इन टू मेकिंग अ चिकन पार्चे। अगर आप अवधी कुजीन का सही में मजा लेना चाहते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ मस्ट हैव डिश वेन एवर यू आर देयर इन दी लैंड ऑफ अवध, द लैंड ऑफ नवाब्स, लखनऊ। अब आपका सवाल ये होगा कि लखनऊ से बाहर ये डिश निकली क्यों नहीं। मेरा जवाब आपको ये होगा कि दिस इज अवेलेबल इन हैदराबाद, दिस इज अवेलेबल इन मुंबई, एंड दिस इज अवेलेबल इन मेनी अदर प्लेसेस। यू जस्ट नीड टू हैव एन आई फॉर इट। खैर, जायका इन हैदराबाद, इशारा इन मुंबई आर सम ऑफ द प्लेसेस विच सर्व आउट फैंटास्टिक चिकन पार्चे। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर अ चिकन लवर, इंजॉय द पार्चे। तो दोस्तों, अपनी अगली डिश की तरफ, और ये है पसंदे। और पसंदे एक्चुअली मीन्स पीसेस, पीसेस विच आर बोनलेस इन नेचर। तो पुराने टाइम में जो बुचर्स कसाई हुआ करते थे, दे वर स्पेशलिस्ट इन टेकिंग आउट दीज बोनलेस पीसेस फ्रॉम दी रान। दीज वर ऑल्सो टर्म्ड एज मछली। ये एक पूरी एक कला है, एक आर्ट है, जो कि हर बुचर के अंदर ये अवेलेबल नहीं हो सकती, आई एम श्योर अबाउट इट। पसंदे एक शेफ की कारीगरी से ज्यादा एक बुचर की कारीगरी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर वो बोनलेस पीसेस सही नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें, पसंदे नहीं बन सकते। इन लोगों का जो बनाने का स्टाइल है, टॉप्ड अप विद अ ग्रेवी, पसंदे इज अ डेलिकेसी विच शुड बी विच इज अ मस्ट हैव अगर आप मटन लवर हैं, और यू रियली कांट मिस इट आउट। खैर, अब तो क्रीम्स सर्व्स आउट बादाम पसंदे, बादाम डाल के बढ़िया ग्रेवी बना के देते हैं, सो यू कैन इंजॉय दिस करीम्स। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में रहीम करके नखास में एक आउटलेट है, एंड दे हैव फैंटास्टिक पसंदे। तो इफ यू एक्चुअली वॉन्ट सी वॉट पसंदे लुक्स लाइक, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल जो टेस्ट है उसमें जाएंगे, जो ग्रेवी है उसके अंदर टमाटर नहीं डलता, एंड दिस इज दी होल वे ऑफ मेकिंग द पसंदे ग्रेवी विदाउट टमाटर, बिकॉज टमाटर इंडिया की सब्जी नहीं है, ये बहुत बाद में आया है। दिस डिश वॉज ओरिजिनेटेड मच मच बिफोर दैट। तो अगर आपको बिना टमाटर की ग्रेवी और टमाटर से कोई लेना देना ना हो, और एक रॉक सॉलिड ग्रेवी खानी हो, सो रहीम्स इन नखास लखनऊ इज द प्लेस टू गो। इंजॉय पसंदे इफ यू आर अ मटन लवर। दिस इज वन डिश विच इज देयर ऑन दी पैलेट ऑफ एवरी पर्सन इन दी वर्ल्ड सिटी, एंड दिस इज लाइक कोई भी किसी भी वक्त खा सकता है, विच इज द दाल गोश्त। यू नो, वन यूनिक
ट्रिविया विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज करीम्स पे जो पहली डिश खत्म होती है ऑलवेज इज दाल गोश्त बिकॉज दे स्टार्ट अर्ली और लोग आते हैं खाते हैं और ये सबसे पहले खत्म होती है. सो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि एक डेलिकेसी है, एक बड़े सटल से फ्लेवर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और ये आते हैं और जाते हैं. सो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी कॉमन एंड यूनिक एंड स्टेपल डिश ऑन द दस्तखान ऑफ एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड सिटी. वर्ल्ड सिटी से हम लोग दूसरी वर्ल्ड सिटी पे चलते हैं विच इज द चारमीनार एरिया और यहां पे भी जो दाल गोश्त है, दाल की क्वालिटी थोड़ी सी वेरी हो जाती है, लोकल प्रोड्यूस वेरी हो जाता है, गोश्त क्वालिटी वेरी हो जाती है, बट अगेन वेरी वेरी सटल फ्लेवर्स. सो इंजॉय एट चारमीनारा और एट द वॉल सिटी, बट डू मेक श्योर इफ यू आर अ मटन लवर इंजॉय द दाल गोश्त. तो दोस्तों अब एक यूनिक डिश की तरफ और ये है दाब चिंगड़ी. तो दाब है कच्चा नारियल, चिंगड़ी है प्रॉन्स और जब प्रॉन्स को उस दाब में बनाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? दाब चिंगड़ी नहीं होता है दोस्तों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फ्लेवर्स, अ बर्स्ट इन योर माउथ वंस यू हैव इट. बहुत ही यूनिक स्टाइल है और टीएफएस का तो कहना ही है कि आप इसके अंदर मटन भी डाल दें या चिकन भी डाल दें, इट विल टेस्ट वेरी वेरी नाइस. बट दिस इज अ डेलिकेसी इन्वेंटेड एट भोजोहारी मन्ना. दिस इज भोजोहारी मन्ना इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी व्हेन यू इफ यू आर देयर इन कैलकटा. ओ कैलकटा द रेस्टोरेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय अरिंदम, ही इज नॉट देयर एनी मोर बट ओ कैलकटा स्टिल लिव्स ऑन. सो दिस इज अगेन अ प्लेस where you can actually go and have daab chingdi. If you love prawns and if you love nariyal, well, see their marriage together. Daab chingdi, a fantastic combination of coconut and prawns. To dosto, aaj ke apne episode ki aakhri dish ki taraf aur ye hai. Fish and banana leaves, iske itne sare naam hai. Right from Kashmir till Kanyakumari, aapko itne naam milenge कि आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इसके बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं. पात्रानु मच्छी बाय पारसीज और कोई भी पारसी वेडिंग इज इनकम्प्लीट जब तक लगन्नु कस्टर्ड और पात्रानु मच्छी ना हो. मीन पोली चट्टू केरला में और ये जो फ्लेवर्स होते हैं, ओफ ये फ्लेवर्स तो बिल्कुल जानलेवा होते हैं. तो अगर मीन पोली चट्टू और पात्रानु मच्छी आप कंपेयर करेंगे तो जो वो फ्लेवर का डिफरेंस आता है, एक तो लोकल फिश किस तरह से वेरी करती है. अब जैसे बॉम्बे है उसमें बॉम्बे में अलग फिश मिलेगी, केरला में जाएंगे तो केरला में अलग फिश मिलेगी और जो बनाना लीव्स हैं वो उनके अपने अलग फ्लेवर्स हैं और जो अंदर वो लोग फ्लेवर डालते हैं वो तो लाजवाब है. अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो इसको भिटकी माछेर कहते हैं, लेकिन बनाने का तरीका वही, बॉइल्ड वेरी 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 हाईली इफेक्टिव वे ऑफ कुकिंग. बॉइल्ड है, हेल्दी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता और मछली वैसे भी इज लो ऑन कैलोरीज और ये पूरे भारतवर्ष में आपको इतने आउटलेट्स पे मिलता है. जस्ट टेक अ पिक बट डू इंजॉय द फिश रैप्ड अप इन बनाना लीव्स. आप उसे पात्रानु मच्छी कहे या मीन पोली चट्टू कहे या बेटकी माछेर कहे, जो भी कहे, लेकिन इंजॉय जरूर करें. तो दोस्तों कैसा था आज का वीडियो? डिड यू लाइक इट? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आर ईमेल आईडी इज देयर, यू कुड जस्ट मार्क अस अ क्वेश्चन. वी वुड बी वेरी हैप्पी एंड ईगर टू आंसर दोज क्वेश्चंस. वी आर देयर ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर by the handle of TF Sutra. Do remember to subscribe our channel on YouTube and remember to follow us on Insta, Facebook and Twitter. Look forward to see you again. Take care and God bless.